ओके गाइस, आज मैं 5 ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन लेके आया हूँ। ये एप्लीकेशन को यूज करके ना आप अपने व्हाट्सअप को कस्टमाइजेशन और आपके फ़ोन को कस्टमाइजेशन और गाइस यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशंस है ना आप उसे भी कस्टमाइज कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पे ना आपके व्हाट्सअप को इस तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे, जैसे आपके व्हाट्सअप में मैसेज आएगा सो गाइस आप उसे ना ऑटोमेटिक रिप्लाई यहाँ पे सेट कर पाओगे। जैसे आपके व्हाट्सअप में मैसेज आता है उसे उस पर्सन को ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे रिप्लाई कर देगा। और गाइस यहाँ पे ना आपका आप आपकी नोटिफिकेशन को आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा सो गाइस यहाँ पे ना RGB लाइट जैसे नोटिफिकेशन लाइट होती है ना, सो गाइस इसी तरीके से आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले होती है ना वहाँ पे RGB लाइट क्रिएट एनिमेटेड होता रहेगा। और गाइस यहाँ पे ना आपके जो व्हाट्सएप में जितने भी सारे फोटोज़ वीडियोस होते हैं सो गाइस आपके फाइल में ना वो अलग अलग फोल्डर्स पे सेव होते हैं। बट गाइस यहाँ पे ना ये एप्लीकेशन को यूज करके आप आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह पे रीड कर पाओगे, मतलब व्यू कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं जो कि कस्टमाइज कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से कस्टमाइज करने को मिलता है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज है हमारे पास पहला एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑटोमेटिक। तो गाइस ये एप्लीकेशन ना आप किसी भी जैसे व्हाट्सअप हो या तो फिर फेसबुक मैसेंजर हो आप इसमें ऑटो रिप्लाई सेट कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाता है, यहाँ से आप इसे ऑटो रिप्लाई को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो। सो गाइस ओके मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि आप किस जैसे आपको मैसेज आएगा उसके बाद में गाइस यहाँ पे आप ना रिप्लाई में जैसे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। सो गाइस इसके बाद में ना यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मैसेज आ जाता है सो उसके बाद में गाइस यहाँ पे ओके थैंक्स आपको ऑटो रिप्लाई कर देगा। तो गाइस अभी मेरे पास दूसरे फ़ोन में तो रिकॉर्ड हो रहे हैं सो यहाँ पे लाइव तो दिखा नहीं पाऊँगा, बट गाइस ये काम करता है सो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लाई फ्रीक्वेंसी बेटा। तो गाइस यहाँ पे ना आप मैसेज को बढ़ा सकते हो, जैसे 1, 2, 5 ऐसे करके आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो रिप्लाई फॉर ग्रुप चैट। तो गाइस यहाँ पे ना आप कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पे आपको ऑटो रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे ऐप लैंग्वेज जैसे ऐप लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सो नोटिफिकेशन रिप्लाइड मैसेज और यहाँ पे थोड़े बहुत और भी यहाँ पे एडवांस फीचर मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे। बाकी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, ऑटो रिप्लाई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है सो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है गाइस सेकंड एप्लीकेशन, वो है लाइव लॉप। तो गाइस यहाँ ना आप इस एप्लीकेशन में आप यहाँ पे वॉलपेपर सेट कर पाओगे, वो भी लाइव कुछ 3D एनिमेटेड होते रहेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके से जो की वाले आइकन आ रहे हैं ना सो यहाँ पे आपको कुछ पेड वर्जन में भी जाना पड़ता है। और गाइस यहाँ पे आप ना एड वगैरह भी वॉच करके आप इसे यूज कर पाओगे। सो यहाँ पे ना मैं सिंपली से इस पर क्लिक कर देता हूँ सो ये फ्री है। सो यहाँ पे ना क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप इसे अप्लाई कर पाओगे। सो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहे उसके बाद में गाइस देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑटोमेटेड होते रहेगा, एनिमेटेड होते रहेंगे। उसके बाद में आप इसे सेट भी कर पाओगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेट वॉलपेपर। एंड गाइस यहाँ पे जैसे मैं होम स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ उसके बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ना 3D में ऑटोमेटेड होते रहे और एनिमेटेड होते रहेगा और एक नया लुक देखने को मिल जाता है। सो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं ये एप्लीकेशन को, ये एनिमेटेड ट्रांसपेरेंट इस तरीके से आप वॉलपेपर यहाँ पे सेट कर पाओगे। उसके बाद में गाइस थर्ड एप्लीकेशन आता है आइकॉन हेडर। तो गाइस ये एप्लीकेशन से ना आप अपने जो आइकॉन्स होते हैं सपोज यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अलार्म्स का और भी यहाँ पे जो डेटास के जो दिखाई देते हैं ना आप इसे हाइड कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पे आपको स्टेटस बार पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे जितने भी जो आइकॉन्स होते हैं ना आप यहाँ पे देख पाओगे। सो यहाँ पे ना आप इसे हाइड कर पाओगे। सो एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे ना मुझे देखने को मिल रहा है कि ब्लूटूथ के आइकॉन्स जो मेरे नोटिफिकेशन पैनल पे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस आपको इसे हाइड करना होना सो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और इसे टर्न ऑफ कर देना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे देख पाओगे ब्लूटूथ तो ऑन है लेकिन यहाँ पे आपको ना नोटिफिकेशन पैनल में आप खाली रख पाओगे, मतलब यहाँ से आप हाइड कर पाओगे। सो यहाँ पे काफ़ी सारे और भी हाइड करने के लिए आइकॉन्स को मिल जाते हैं जैसे एरोप्लेन मोड, अलार्म्स। सो यहाँ पे ना जैसे अलार्म्स का है यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद मैं गाइस यहाँ पे मैं अलार्म पे अगर टर्न ऑफ करता हूँ सो मेरे नोटिफिकेशन पैनल से वो हाइड हो जाएगा, बट अलार्म की आइकॉन्स कुछ हाइड होगा रहेगा, अलार्म बंद नहीं होगा। सो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं ये एप्लीकेशन से, जो आपके नोटिफिकेशन पैनल में काफ़ी सारे आइकॉन्स भर जाते हैं सो आप उसे हाइड कर पाओगे। सो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। उसके बाद में गाइस आता है फोर्थ नंबर पे गैलरी फॉर व्हाट्सएप। ये एप्लीकेशन ना आपके जो जितने भी सारे व्हाट्सएप में जो यहाँ पे आपको ना फोटोज़ वीडियोस डॉक्यूमेंट्स और भी कई सारे स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ये एप्लीकेशन में, जो कि एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे आप ना रिसाइकल पे क्लिक करोगे सो आपने जितने भी सारी फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट की है ना आप यहाँ पे रिसाइकल कर पाओगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लेट्स गो पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज वीडियोस स्टेटस भी आप यहाँ पे जो देख पाओगे कुछ परमिशन देने के बाद में। उसके बाद में ऑडियो स्टिकर एनिमेशन जितने भी सारे आपके व्हाट्सएप में जो आए रहेंगे या तो फिर आप सेंड करोगे सो यहाँ पे आप ये एप्लीकेशन से देख पाओगे। और ये गाइस यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे ना डायरेक्ट मैसेज पे क्लिक करके आप किसी का भी नंबर यहाँ पे आप डाल करके आप डायरेक्ट जैसे व्हाट्सएप बिजनेस या तो फिर नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेंजर पे आप रीडायरेक्ट यहाँ पे आप करके मैसेज भेज सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है और एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ना काफ़ी सारे जो फोटोज़ वीडियोज़ होते हैं आपको अलग अलग फाइल्स में ढूंढना पड़ता है, तो गाइस ये एप्लीकेशन से ना आपको एक ही जगह पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। सो गाइस लास्ट एंड फाइव नंबर पे आता है ईज मास्क। तो गाइस ये एप्लीकेशन से ना आप नोटिफिकेशन लाइट LED यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, डेकोरेट विथ योर फेवरेट कलर। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको ना कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस यहाँ पे ना डार्क मोड में है तो आपको कम दिखाई दे सकता है। तो गाइस यहाँ पे ना आपको मैसेज एंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे गाइस यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे ना आपको कुछ एड वॉच करने के बाद में यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑफ टर्न ऑन किया। उसके बाद में ना गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलर्स देखने को मिल जाता है, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो गाइस ये ना बेसिकली जब भी आप अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस आता है सो गाइस उस टाइम पे यहाँ पे ना LED यहाँ पे RGB यहाँ पे लाइट एनिमेटेड होते रहेंगे। सो गाइस यहाँ पे ना और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि कस्टमाइज कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे जो मेरी जियो वाली है ना यहाँ पे नोटिफिकेशन मिला सो यहाँ पे मुझे ना LED यहाँ पे शो होने लग गया। उसी तरीके से गाइस यहाँ पे ना वापस से आप इफेक्ट में आके आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो कलर एंड इसकी स्पीड वगैरह। तो गाइस उसके बाद में आप ना जब भी होम करोगे सो यहाँ पे ना आप अपने फ़ोन को जब भी लॉक या अनलॉक करोगे सो गाइस यहाँ पे ना आपको एनिमेटेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पे ना जब भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा सो यहाँ पे ना LED होते रहेगा एक यूनिक तरीके से। सो गाइस एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, एंड गाइस आपके फ़ोन में ना एक नया नोटिफिकेशन LED लाइट क्रिएट कर पाओगे।